सुखपूर्वक बैठकर श्री महादेव जी की महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पदयुक्त अपने अपने नाम से पुष्पोचार पारायण समर्पक पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथाशक्ति इंद्राय नमः पुष्प समर्पयामि इत्यादि इसी तरह गर्भधारण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग ध्यान होम जप ब्राह अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी खीर दधि मिश्रित अन्न गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ इनमें से एक या अनेक भविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्प वसित अनन्य शीतल जल अर्पित करने चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों से बने हुए बीड़े शिलाजीत का चूर्ण सफेद चूना जो अधिक सूखा या दूषित ना हो कपूर कंकोल नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा कस्तूरी कुमकुम मृद मंदक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित पवित्र और सुंदर हो गंध रहित उत्कृष्ट गंध वाले दूषित बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल भगवान शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषता है वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युन मंडल के समान चमकीले हो। ये सब वस्तुएं कपूर गुग्गुल अंगूर और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन अगरु कपूर सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गुल के चूर्ण घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन दिए जलाए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगम्य मीठा और कपिला गाय का दूध दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जड़ित हैं भगवान शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर चित्रित बिछाया कोमल गद्दे और तकिया होने चाहिए। इसके सिवाय और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। मुद्रा गामिनी नदी एवं नाद से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से शोभित नवरत्न जड़ित दिव्य एवं सुवर्णमय अर्पित करने योग्य स्वर्ण भूषित दो श्वेत चवर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा दो राजहंसों के समान आकार वाले हैं भगवान शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो भगवान शंकर को अर्पित करने चाहिए। इसके पूर्व में हंस कुंड एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए जिसके मुख और पृष्ठभाग आदि में रत्न स्वर्ण जड़े गए हैं। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले वाद विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हों बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ढेरी मृदंग मुरज पिच्छिम और पटाह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों यत्न पूर्वक जुटाकर सामने रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र भांड भी सुवर्ण के ही बनाए गए हैं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए जो शिल्प पात्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो वह ऊंची चार दीवारी से घिरा हो उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे वह अनेक दरवाजों से रत्नों से छादित हो उनके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हैं। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों चंदोवे से मोतियों की लड़ियां लगी हो दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों मंदिर का शिखर कोने से बने हुए दिव्य कलशकार मुकुट से अलंकृत एवं
अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो, न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक श्री महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि अनन्योपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा नहीं करते तो उसमें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि बिना कोई भक्ति के पूजन करता है उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा सा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे भगवान शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। भगवान शिव के प्रति भक्ति छोड़कर कोई अनंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः है हे श्री कृष्ण, सर्वत्र परमेश्वर भगवान शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह द्रोहा से भी द्रोहातर है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। हे श्री कृष्ण, अन्य तज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः है सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। अध्याय 24, पंचाक्षर मंत्र के जाप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवा अग्नि की स्थापना और उनके संस्कार, होम पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनायंत में किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। श्री उपन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार भगवान शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पीनाकमणि श्री महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुखों के भागी नहीं होते। मनोहर भवन हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां, जिसने पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, वे सब भगवान शिव की आराधना के फल है। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य कांति मान रूप बाल त्याग दया भाव शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को भी सुलभ होती है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में ही मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसीलिए सबको पीनाकमणि श्री महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता। जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान कोई दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूँगा। कुंड में स्था पिंडल पर वेदी के लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके
उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां श्री महा